नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए बड़ी खबर यहां पे ओपी राजभर के हवाले से आ रही है। ओपी राजभर ने देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट को लेकर खुलासा कर दिया है कि वो कितनी सीट पर लड़ेंगे, और बिहार में भी देखिए उन्होंने खुलासा कर दिया कि वो कितनी सीट पर लड़ेंगे। अब ओपी राजभर के बारे में पहले आपको बताऊं तो ओपी राजभर इस वक्त सावधान यात्रा कर रहे हैं। सावधान यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को वो बता रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़े, हर यात्रा में देखिए वो यही बोलते हैं। लेकिन देखिए सावधान यात्रा तो सपा और भाजपा से सावधान रहने के लिए वो कर रहे हैं, ये तो देखिए उसकी असलियत है। लेकिन देखिए अब ओपी राजभर ने सीटों का खुलासा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर 2 सीटों पर लड़ेंगे जहां पे उनका वोट बैंक जो है वो काफी स्ट्रोंग माना जाता है। जो राजभर वोट बैंक है, जो पिछड़ा वोट बैंक है ओपी राजभर का, वो जहां पे ज्यादा स्ट्रोंग है वहीं से लड़ेंगे। सीटों का खुलासा नहीं करा, लेकिन हाँ 2 सीटें उन्होंने बोल दिया, और बिहार में भी देखिए 2 सीटों पर वो लड़ेंगे। देखिए क्योंकि बिहार में उनका वोट बैंक है, क्योंकि ओपी राजभर काफी टाइम से बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इस बार भी लोकसभा का इलेक्शन वहां पे बिहार में लड़ने की मन बना लिया है, और 2-2 सीटों पर यानी कि यूपी बिहार में 2-2 सीटों में वो लड़ेंगे, इस बात का खुलासा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पे ओपी राजभर जो है वो लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 2 पर लड़ेंगे तो 2 में से कितने जीतते हैं, और बिहार में भी कितने जीतेंगे ये देखना होगा। बहरहाल देखिए जो ओपी राजभर है अपनी सावधान यात्रा कर रहे हैं, उनके जो नेता है, थे क्योंकि सुभाषपा छोड़ के जा चुके हैं मनोज कुमार राजभर, तो वो भी देखे काफी बड़े बड़े इल्जाम अब लगाते रहते हैं ओपी राजभर पर, और ओपी राजभर जो है वो उनका पलटवार करते रहते हैं। क्योंकि अगर अखिलेश यादव की बात करूं तो ओपी राजभर पहले अखिलेश यादव पर हमलावर होते थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है तो अब अखिलेश यादव पर ज्यादा हमलावर नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो फिर अब भाजपा पे हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा पर लगातार देखिए नरम रुख अपनाए हुए थे ओपी राजभर। क्यों? क्योंकि देखिए उनको ऐसा लग रहा था कि भाजपा उन्हें अपना लेगी, भाजपा के साथ शायद उनका गठबंधन हो सकता है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होने के कयास लगाए जा रहे हैं। और ओपी राजभर को भी देखिए अब समझ आ चुका है कि शायद इस पूरे चुनाव के समंदर में उनकी नाव को अकेले ही चलाना पड़ेगा। देखिए ऐसा हो सकता है कि अकेले ही चुनाव लड़े, किसी के साथ गठबंधन ना करें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि सपा में तो देखिए वो जाने से नहीं, क्योंकि काफी कुछ अभद्र टिप्पणियां भी काफी कुछ कर चुके हैं, और भाजपा में शायद देखिए वो नहीं जा सकते क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने भिखारी तक कह दिया था। तो इसलिए देखिए कि अब जो उनकी नैया है वो अकेले ही गोते खाएगी। अब देखना हो कि ये नैया जो है ओपी राजभर की जो है वो पार होती है या नहीं होती, ये देखना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।